बलात्कार के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा, न्यायालय में सुनाया गया फैसला। अतिरिक्त लोक अभियोजक हरिशंकर पटेल द्वारा बताया गया कि 15 जनवरी 2015 को सामान थाना क्षेत्र अंतर्गत बाणसागर कॉलोनी अंबेडकर नगर से 13 वर्षीय युवती का अपहरण कर आरोपी करिया उर्फ कज्जू बसोर अपने साथ अपने गृहग्राम दमोह ले गया, जहां उसे बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया। एक दिन युवती मौका पाकर उसके कब्जे से भाग गई और दूसरे गांव पहुंच गई। वहां वह एक महिला से मिली और अपनी आप बीती बताई और घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया और मामला सिद्ध होने पर शुक्रवार को न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 2000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। सांसद उर्फ करिया बसोर उर्फ कज्जू बसोर के प्रकरण में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी करिया बसोर उर्फ कज्जू को अपहरण के अपराध, बलात्कार के अपराध और दासत्व के अपराध के लिए साथ ही लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के अपराध के लिए दोषी ठहराया है। अभ्यस्त अभियुक्ति के साथ उसकी सहमति के बिना बलात्कार के अपराध के लिए आजीवन कारावास और 2000 रुपये दंड किया है। साथ ही आरोपी ने अन्य साथियों के साथ उसको गलत संबंध बनाने के लिए मारपीट करके भेद करता था, उसके लिए धारा 370-4 IPC के अपराध के लिए उसको आजीवन कारावास की न्यायालय से सुनाई है। साथ ही बालकों का संरक्षण अधिनियम, अवयस्क बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में भी धारा 4 के तहत माननीय न्यायालय ने दोष सिद्ध पाया है, उसके लिए भी माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास कठोर दर दिया है, साथ ही 2000 रुपये का दंडित सुनाया है।